यदि आप कंफ्यूज हैं एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर एंड आई सी आई सी एलिवेट में तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में हम दोनों ही प्लान का बहुत डिटेल कंपेरिजन करेंगे और साथ में यह जानने का कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है सो तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए मैं हूँ आशुतोष आपका पर्सनल फाइनेंस कोच चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो दोनों प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 इयर्स डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 90 डेज एंड मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है किसी भी एज में आप इस प्लान में एंटर कर सकते हैं सो so, यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन भी एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर ले सकते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शन एच डी एफ सी अर्को ऑप्टिमा सिक्योर में आपको फाइव लैख टू टू सी आर तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं आई सी एलिवेट में आपको फाइव लैक टू थ्री करोड़ तक के समय शॉर्ट ऑप्शन मिलते हैं साथ ही इसमें एक आपको अनलिमिटेड समय शॉर्ट का ऑप्शन भी मिलता है तो आपको लगता है यदि तीन करोड़ का भी समय शॉर्ट सफिशेंट नहीं होगा तो आप अनलिमिटेड समय शॉर्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें जो आपका कवरेज है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी वो पाँच दस पंद्रह कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं रूम कैटेगरी एंड रूम रेंट की बात करें तो दोस्तों एच डी एफ सी अर्गों में रूम रेंट एंड रूम कैटेगरी वाइज कोई कैपिंग नहीं है सारी कैटेगरी के रूम एज़ पर एक्चुअल अप टू सम कवर्ड है आई सी आई सी लोम्बार्ड एलिवेट में सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैपिंग है इन बिल्ट इसके साथ में आपको एक रूम मॉडिफायर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सो so, जिससे आप किसी भी कैटेगरी का रूम अवेल करा सकते हैं तो आप यदि आई सी आई का एलिवेट ले रहे हैं तो आपको यह रूम मॉडिफायर का जो राइडर है वह लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे हॉस्पिटलाइजेशन लेंगे तो आपको नहीं मालूम है कि वहाँ पे सिंगल प्राइवेट ए रूम अवेलेबल है या फिर नहीं है ऐसे में यदि इमरजेंसी में आपको हायर कैटेगरी का रूम लेना पड़ा तो फिर आपके क्लेम अमाउंट से अच्छा खासा डिडक्शन हो जाएगा एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ जाएगा नेक्स्ट बेनिफिट है आयुष ट्रीटमेंट सो अल्टरनेट ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा होम्योपैथी इनसे रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान में अप टू सम्योट कवर्ड है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एच डी एफ सी अर्गो में प्री हॉस्पिटलाइजेशन सिक्सटी डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वन एट्टी डेज कवर है आई सी आई सी लॉम्बा डेलीविट में प्री हॉस्पिटलाइजेशन नाइन्टी डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वन एटी डेज़ के लिए कवर है नेक्स्ट बेनिफिट है डे केयर ट्रीटमेंट जब भी हम हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं 24 फोर आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वो हमारी पॉलिसी में कवर्ड होते हैं ऐसे में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि जिनमें 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही वो ट्रीटमेंट हो जाता है जैसे कि कुछ सर्जरीज हैं कैटरेक्ट सर्जरी सो ऐसे डे के ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान में अप टू सम कवर हैं ऑर्गन डोनर कवर ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होते हैं वो अप टू समे श्यूट कवर्ड हैं दोनों ही प्लान में नेक्स्ट बेनिफिट है डोमसरी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत सारे इमरजेंसी कैसे होते हैं कि जैसे कि आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है या फिर हम किसी ट्रीट या फिर हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और ऐसे केस में यदि हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं तो so, ऐसे ट्रीटमेंट डोमसरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं दोनों ही प्लान में अप टू सम्यूट कवर्ड हैं होम केयर ट्रीटमेंट होम केयर ट्रीटमेंट मतलब कि डॉक्टर के एडवाइस से कुछ ट्रीटमेंट हम अपने घर पर भी ले सकते हैं ऐसे होम केयर ट्रीटमेंट एज पर एक्चुअल्स कवर्ड हैं एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में आई सी आई सी लोम्बा डेलीवेट में यह पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर्ड हैं जिसमें आपको नर्सिंग एट होम एक राइडर लेना होता है जिसमें आप किसी क्वालिफाइड नर्स की सर्विसेज अवेल करा सकते हैं रोड एम्बुलेंस दोनों ही प्लान में रोड एम्बुलेंस एज पर एक्चुअल्स अप टू सम कवर्ड हैं एयर एम्बुलेंस एच डी एफ सी को ऑप्टीमा सिक्योर में अप टू फाइव लैक पर ईयर तक के चार्जेस अवेलेबल हैं इन बिल्ट आई सी आई सी आई लोम्बा डेलीवेट में एयर एम्बुलेंस इन बिल्ट नहीं है डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस का हमें एक राइडर अलग से लेना होता है फ्री हेल्थ चेकअप एच डी एफ सी को ऑप्टीमा सिक्योर में वस इन पॉलिसी ईयर हमें फ्री हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है वहीं आई सी आई सी आई लोम्बा डेलीवेट में फ्री हेल्थ चेकअप हमें नहीं मिलता है हेल्थ चेकअप के लिए हमें एज ए राइडर एक ऑन लेना होता है मॉडर्न ट्रीटमेंट यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को जज करने के लिए तो हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई कैपिंग ना हो दोनों ही प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई कैपिंग नहीं है अप टू सम समूड एस पर एक्स कवर्ड है सेकंड मेडिकल ओपिनियन वंस पर पर्सन अवेलेबल है एच डी एफ सी और ऑप्टीमा सिक्योर में आई से ऐसे डेलीवेट में सेकेंड मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल नहीं है ई कंसल्टेशन एच डी एफ सी और ऑप्टीमा सिक्योर में इन बिल्ड कवर्ड है आई सी आई सी एलिवेट में एज ए हमें लेना होता है नेक्स्ट बेनिफिट है मेटर्निटी कवर एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में मैटर्निटी का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आई सी आई सी एलिवेट में मैटर्निटी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर अवेलेबल तो है टू ईयर्स के वेटिंग पीरियड में बट उसका जो प्रीमियम है बहुत ही ज़्यादा है और प्रीमियम को देख के मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लान है जिसके साथ हमें मेटर्निटी लेना चाहिए तो यदि आपका सिर्फ स्पेसिफिक मेटर्निटी का रिक्वायरमेंट है तो या फिर आप आई सी आई सी का हेल्थ एडवांटेज या फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं वर्ल्ड वाइड कवर एच डी एफ सी अर्गो में हमें एज ए ऑप्शनल मिल जाता है आईसी ऐसी लोम्बार्ड एलिवेट में वर्ल्ड वाइड कवर का ऑप्शन नहीं है प्लान वेरिएंट्स की बात करें तो एच डी एफ सी अर्गो ऑप्टीमा सिक्योर में हमें ऑप्टीमा सिक्योर उसके साथ ही ऑप्टीमा सुपर सिक्योर जिसमें हमें तीन साल का प्रीमियम एक साथ पे करना पड़ता है इसके अलावा ऑप्टीमा सिक्योर ग्लोबल जो कि आउटसाइड इंडिया इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है और साथ ही ऑप्टीमा सिक्योर ग्लोबल प्लस जो कि आउटसाइड इंडिया प्लान एंड इमरजेंसी दोनों हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है आईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में कोई भी वेरियंट नहीं है सिर्फ एक ही वेरियंट है एलिवेट वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो दोनों ही प्लान में थर्टी डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड है जो कि इंडस्ट्री वाइज़ कॉमन है उसके अलावा टू ईयर्स का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन है सो तो जो भी स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं जिनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है ऐसी स्लो ग्रोइंग डिसीज़ के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी हमें टू इयर्स का वेटिंग पीरियड इम्पोज़ करती है जैसे कि कैटरेक्ट हर्निया नी रिप्लेसमेंट एट्सेट्रा प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन के लिए थ्री ईयर का वेटिंग पीरियड है दोनों ही प्लान्स में दोनों ही प्लान में कुछ यूनिक एंड अट्रैक्टिव फ़ीचर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला एच डी एफ सी अर्गो में हमें एक सिक्योर बेनिफिट मिलता है जिसमें हमें टू एक्स कवरेज मिलता है डे वन से जिसमें आप यदि टेन लैख का पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपको ट्वेंटी लेख के लिए कवर करेगा ट्वेंटी लैख का परचेज़ कर रहे हैं तो आपको फोर्टी लेख के लिए कवर करेगा ये उसका इनबिल्ट फीचर है इसमें यदि आप सुपर सिक्योर वेरियंट लेते हैं जिसमें आपको तीन साल का प्रीमियम एक साथ पे करना पड़ता है तो वह थ्री कवरेज देता है तो आपने यदि दस लाख का पॉलिसी लिया है तो वो आपको डे वन से थर्टी लेख के लिए कवर करेगा थ्री बेनिफिट उसमें आपको मिल जाता है उसके अलावा आपको एक प्लस बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट क्यूमलेटिव बोनस नेक्स्ट टू ईयर्स तक मिलता है ऐसे में ऑप्टिमा सिक्योर के केस में आपको वन एक्स कवरेज मिलने के साथ आपका जो टोटल कवरेज है थ्री एक्स हो जाता है एंड सुपर सिक्योर में आपका जो इनबिल्ड कवरेज है वह फोर एक्स हो जाता है इसके अलावा आपको रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है जो कि रिलेटेड एंड अनरिलेटेड दोनों ही इलनेसेस के लिए अवेलेबल होता है मतलब कि हर साल आपको सेकेंड क्लेम से रिस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल होगा रिलेटेड एंड अनरिलेटेड का मतलब यह है कि जिस डिसीज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसी डिसीज़ के लिए उसी साल यदि दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है और आपका बेसिक कवरेज खत्म हो गया है तो भी आपको रिस्टोर का बेनिफिट मिल जाता है साथ ही इसमें आपको एक अनलिमिटेड रिस्टोर का राइडर मिलता है जो कि काफ़ी चीप है सिर्फ पॉइंट वन परसेंट प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके आप अनलिमिटेड रिस्टोर का राइडर ले सकते हैं जिसमें यदि मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं तो इसका आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा साथ ही इसके साथ हमें एक प्रोटेक्ट बेनिफिट मिलता है जो कि 68 एट नॉन पेएबल आइटम्स को इन बिल्ट कवर करता है विदाउट एनी राइडर ऐसे ऐसे लोम्बा डेलीवेट के यदि यूनिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है पावर बूस्टर जिसमें हमें हर साल 100% परसेंट क्यूमलेटिव बोनस मिलते रहता है जब तक हम पॉलिसी को रिन्यू करते रहते हैं इर रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लेम तो यदि आपके पास 10 लाख का पॉलिसी है आपने 10 सालों तक रिन्यू किया तो वह एक करोड़ की हो जाएगी 20 सालों तक किया तो दो करोड़ की और तीस सालों तक किया तो तीन करोड़ की ऐसे में फ्यूचर की मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसमें हमें एक और यूनिक एड ऑन मिलता है इनफाइनाइट केयर का जिसमें आप अपनी पॉलिसी लाइफ टाइम में एक क्लेम अनलिमिटेड अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टेन लैख की पॉलिसी है टेन ट्वेंटी लैख का आपके पास क्यूमुलेटिव बोनस है या फिर पावर बूस्टर बोनस है बट कोई क्लेम आ जाता है सत्तर अस्सी लाख का या एक करोड़ का तो यदि आपके पास इन्फाइनाइट केयर बेनिफिट है तो आप वह क्लेम उस राइडर से पे कर सकते हैं इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोर का इनबिल्ट बेनिफिट हमें मिलता है जो कि फ़ुल एंड पार्शियल दोनों ही क्लेम के लिए अवेलेबल रहेगा मतलब कि आपको हर सेकंड क्लेम से अवेलेबल रहेगा किसी भी साल के लिए बट इसमें एक एक कैपिंग है कि जो भी रिलेटेड इलनेस है मतलब कि जिस डिसीज़ के लिए उस साल में पहले हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है और उसी डिसीज़ के लिए दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन है तो रिस्टोर बेनिफिट के लिए उसमें फोर्टी डेज़ का कूलिंग पीरियड है जो दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन है यदि 45 डेज से पहले हो रहा है और वह रिलेटेड इलनेस के लिए है तो आपको रिस्टोर का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके अलावा ऐसे ऐसे एलिवेट में एक और यूनिक बेनिफिट मिलता है हमें जंप स्टार्ट का जो कि हाइपर डायबिटीज एस्थेमा ओबेसिटी को डे वन से कवर करता है विदाउट एनी वेटिंग पीरियड चलिए दोनों ही प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करते हैं एच डी एफ़ सी में आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है एन आर आई डिस्काउंट का तो so यदि आप एन आर आई हैं तो अप टू फोर्टी परसेंट तक का डिस्काउंट ले सकते हैं अपने पॉलिसी के साथ इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोर हम डिस्कस कर चुके हैं क्रिटिकल इलनेस जो कि एक फिक्स्ड बेनिफिट कवर है जो कि लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पर आपको लमसम पेआउट देता है हॉस्पिटल कैश जिसमें आप यदि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से तो यह राइडर ले सकते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर डे कैश बेनिफिट्स मिलते हैं नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट यह भी एक फिक्स्ड बेनिफिट राइडर है जिसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी के केस में लमसम पे आउट होता है नेक्स्ट है ऑप्टिमा वेलबिंग यह एक ओ राइडर है बट यह ऑल इंडिया में अवेलेबल नहीं है सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेट्रो सिटीज में ही अवेलेबल है नेक्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिबल का एच डी एफ़ सी अर्गो ऑप्टीमा सिक्योर यह है एक थोड़ा प्रीमियम प्लान है इसका थोड़ा सा प्रीमियम हाई होता है ऐसे में यदि आपको लग रहा है कि आपको एच डी एफ सी अर्गो के साथ ही जाना है बट आपका जो प्रीमियम है वह थोड़ा हाई हो रहा है तो आप पे एक डिडक्टिबल ऑप्शन लेकर अपना जो प्रीमियम है उसे कम कर सकते हैं जिसके लिए आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लेख के डिडक्टिबल का ऑप्शन अवेलेबल है डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो इनिशियल जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट है वह आपको पे करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास ट्वेंटी का डिडक्टिबल है और एक लाख का बिल है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा एंड रिमेनिंग सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो है वो एच डी एफ सी पे करेगी चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसी लम्बा डेलीवेट के राइडर्स की पहला है इनफाइनाइट केयर जो कि के हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर जो कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपके बेसिक सम समय को इंक्रीज करते जाता है यदि आपने पावर बूस्टर या इन्फाइनाइट केयर नहीं लिया है तो फिर आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर को अपने साथ में ले सकते हैं इसके अलावा डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस जंप स्टार्ट जो कि हाइपर टेंशन डायबिटीज़ एस्थेमेंट ओबिसिटी को डे डिवन से कवर करता है नेक्स्ट है क्लेम प्रोटेक्टर जो जो भी नॉन पेएबल कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनके चार्जेस को कवर करने के लिए क्लेम प्रोटेक्टर राइडर है यह राइडर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपनी पॉलिसी के साथ लेना ही चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइडर है रूम मॉडिफायर ऐसे ऐसे लम्बा के साथ हमें सिंगल प्राइवेट ए रूम की कैपिंग मिलती है तो इसलिए हमें यह राइडर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम किसी भी कैटेगरी का रूम अवेल करा सकें इसके अलावा हमें मिलता है कम्पेशनट विज़िट नर्सिंग एट होम मेटर्निटी बेनिफिट न्यूबॉर्न बेबी कवर वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी उसके अलावा ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट तो व्हील चेयर ऑक्सीजन सिलेंडर पेसमेकर इस टाइप के जो भी ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं उनके रेंटिंग या फिर बाइंग के लिए हमें अप टू फाइव लेख तक के बेनिफिट इस राइडर के साथ मिल जाते हैं इसके अलावा कोविलसेंस बेनिफिट हेल्थ चेकअप बी फिट एक ओ पी टी राइटर है नेक्स्ट एड ऑन है नेटवर्क एडवांटेज जिसमें यदि हम इस राइडर को लेते हैं तो हमें हमारी प्रीमियम पे टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है बट उसके लिए फिर हमें अपने ट्रीटमेंट के लिए आई सी आई सी आई की जो प्रीफर्ड हॉस्पिटल की लिस्ट है उसी में जाना होता है यदि हम आउटसाइड दैट प्रिफर्ड लिस्ट जाते हैं तो ट्वेंटी परसेंट का कोपेमेंट पे करना होता है तो यह जो राइडर है वो एडवाइजेबल नहीं है उसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्रिटिकल इलनेस कवर टेली कंसल्टेशन ऑप्शन टू रिड्यूस योर मेटर्निटी वेटिंग पीरियड तो मैटर्निटी के लिए आपको दो साल का वेटिंग पीरियड है और यदि आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस राइडर को लेकर मेटर्निटी का जो वेटिंग पीरियड है उससे एक साल कर सकते हैं इसके अलावा आपको को पेमेंट का ऑप्शन मिलता है तो यदि हाई रेंज में आपको लग रहा है कि आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर अनअफोर्डेबल हो रहा है तो आप इस राइडर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अपने बिल के साथ को पेमेंट करना होगा जिसके लिए आपको टेन परसेंट से फिफ्टी परसेंट तक को पेमेंट ऑप्शन है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके प्रीमियम्स में डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा दोनों ही प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है एच डी एफ सी अर्गो में टू जोन्स हैं एंड आई सी आई सी डेलीवेट में फोर जोन्स हैं बट जोन वाइज कोई भी कोपेमेंट नहीं है दोनों ही प्लान में बट हाँ यदि आपके परमानेंट रेसिडेंस में कोई चेंज है या आपके जोन में कोई चेंज है तो आपको कंपनी को एंटीमेट करना होता है प्रीमियम्स की बात करें तो प्रीमियम के लिए मैंने थर्टी ईयर ओल्ड कपल का एग्जाम्पल लिया है विथ टू किड्स डेली एन जोन वन में प्रीमियम्स आप देख सकते हैं टेन लैक्स हम इश्योर के लिए क्लेम एक्सपीरियंस या एनालिसिस की बात करें तो इनकर्ड क्लेम रेशियो एच डी एफ सी अर्गो के लिए सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट एंड आई सी आई सी लोमबाट के लिए सेवेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट है जो कि दोनों ही कंपनी के लिए बहुत अच्छा है जिस भी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो सेवेंटी टू एट्टी के बीच होता है वह बहुत ही अच्छा माना जाता है कंप्लेंट्स ऑन ओवरऑल क्लेम की बात करें तो पॉइंट जीरो एट परसेंट है एच डी एफ सी एंड पॉइंट वन थ्री परसेंट है आई सी आई सी लोमबार्ड के लिए वहीं कंप्लेंट आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो पॉइंट जीरो वन परसेंट है दोनों ही प्लान के लिए यदि हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो एच डी एफ सी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है बट आई सी आई सी लोमबार्ड एलिवेट फेयर वैल्यूड है इन सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा प्लान आपकी कंडीशन के लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल होगा दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है आपको कई सालों तक इस पॉलिसी को रीन्यू करना होता है इसीलिए सिर्फ एक बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आफ्टर सेल्स कितनी अच्छी सर्विसेज़ मिल रही हैं इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो पॉलिसी है किसी अच्छे एजेंट से किसी अच्छे एडवाइजर से बाय करें जो कि आपको पॉलिसी लेने के बाद क्लेम के समय आपको अच्छी सर्विस दे सकें सिर्फ वो पॉलिसी लेने के लिए बार बार कॉल करने वाले स्पैम करने वाले जो पोर्टल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं उनसे दूर रहें बल्कि कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को सेलेक्ट करें और उससे पॉलिसी लें यदि आप अपना पॉलिसी मेरे साथ लेना चाहते हैं या फिर मेरे साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एंड मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही प्लान आपको रिकमेंड करते हैं साथ ही हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको लाइफ टाइम क्लेम सेटलमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक like ज़रूर करें एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद